बड़ा सवाल है कि स्कूल बंद हैं लेकिन स्कूल में जाने वाले टीचर्स को अभी भी जो है छुट्टी नहीं कराई जा रही है, इसका क्या मकसद है? थ्री शॉप्स एंड शोरूम, हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स, सैनिटरी गुड स्टोर्स, क्लास हाउस, शटरिंग मटेरियल, गिफ्ट शॉप्स, फ्लोरिस्ट, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स एंड वॉच एंड इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स, ये सभी दुकानें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को खुलेंगी। जो दुकानें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मंगलवार, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप, फोटोसेट शॉप, फर्नीचर शोरूम एंड स्टोर, होम फर्निशिंग आइटम्स को इंट्री खुलेंगे, होटल जिसमें होटल रेस्टोरेंट और टी स्टॉल्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त मेन मार्केट म्यूनसिपल कमेटी डोडा या कस्बा डोडा के अंदर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कल की खबर आई, जम्मू में 13 अफराद की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई और इस वक्त महामारी काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊपर बढ़ी रही है और दूसरी लहर है इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें इस वक्त कोविड-19 में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस हवाले से आज कल एक डिप्टी कमिश्नर डोडा के ज़रिए से एक ऑर्डर आया है, एक नोटिस निकली है, जिस पर आज आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के और पुलिस कर्मचारी सारे हुए जो है यहाँ पे तमाम शॉप्स को क्लोज़ करवा रहे हैं और इनके गाइडलाइंस के मुताबिक जो शॉप्स आज खुलेंगी वो सिर्फ खुली रहेंगी, अदरवाइज़ जो बाकी शॉप्स हैं वो बिल्कुल भी खुली नहीं रहेंगी। पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को जो दुकानें खुलेंगी उनमें क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट शॉप्स, बुटीक्स, टेलर शॉप्स, हेयर सैलून्स, कॉस्मेटिक शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स एंड स्पास और ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम्स, हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स, सैनिटरी गुड्स स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, फ्लोरिस्ट्स, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स एंड वॉच एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स। तो ये हैं जो खुलेंगी सोमवार को, बुधवार को और जुमे को, सोमवार, बुधवार और जुमे को ये सब शॉप्स खुलेंगी। इन सब को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि कब कौन सी दुकान कब खुलनी है। दूसरा ग्रुप बनाया गया है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, यानी मंगलवार और जुमे रात और शनिचरवार को। उस दिन ग्रॉसरीज़ की शॉप्स खुलेंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलेंगे, कन्फेक्शनरी शॉप्स एंड शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम सेल, यूटेंसिल एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स, शूज़ एंड चैपिस शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स ये भी खुलेंगे और साथ में बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टेट शॉप्स, ऑटोमोबाइल शोरूम्स, सर्विस स्टेशंस, वेल्डिंग शॉप्स, फर्नीचर शोरूम्स एंड स्टोर्स, होम फर्निशिंग आइटम्स और इसके अलावा एनी अदर टाइप ऑफ शॉप नॉट मेंशन स्पेशली इन द आफ्टर मेथड ऑर्डर। ये तो डिप्टी कमिश्नर डोडा के जरिए से लिखा गया। मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे के दिन इन्होंने फिर से यहाँ पे बताया कि ईटर्स दैट इज़ होटल, रेस्टोरेंट एंड टी स्टॉल एक्स्ट्रा, ये सब भी खुलेंगे मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे को, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। इसमें इन्होंने बताया जो भी एसेंशियल शॉप्स हैं वो सारी खुली रहेंगी हर दिन, उनमें कोई छुट्टी नहीं होगी। उसमें मेडिकल शॉप्स आते हैं और जो फूड आइटम्स वाले शॉप्स हैं वगैरह, ये सारे शॉप्स उसमें आते हैं। और ये बता दें कि ये डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ एक मीटिंग हुई थी कल, जो शॉपकीपर्स एसोसिएशन है या जो व्यापार मंडल जिसे कहेंगे, उन्होंने उनके साथ मीटिंग करके डिप्टी कमिश्नर डोडा या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो महामारी है पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हर जगह पर इस वक्त जो
है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि कल एक रिपोर्ट आई है जम्मू से, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से हर ज़िले में सबसे कम जिसमें वैक्सीनेशन कराई गई है वो ज़िला डोडा है, और किश्तवाड़ और मुख्तलिफ और भी अजला हैं, लेकिन डोडा का नाम भी उसमें आया है कि डोडा के लोगों ने भी जो है वैक्सीनेशन नहीं कराई है। इसमें पहले तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें रेस्ट्रिक्टली लोगों को वैक्सीनेशन कराने का हुक्म दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तमाम को देखे और अच्छी तरीके से यहाँ के हर लोगों को जो है टीम्स वाइज हर कम्युनिटी को जो है वो वहाँ पे ले और उनकी वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वैक्सीनेट हो। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आज स्कूल बंद है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल बंद हैं लेकिन स्कूल में जाने वाले टीचर्स को अभी भी जो है छुट्टी नहीं कराई जा रही है, इसका क्या मकसद है कि एक स्कूल में जाया टीचर्स को बुलाया जाता है, वो एक टीचर जो है एक कस्बे से जाता है, किसी गाँव में जाता है, किसी इलाके में जाता है, तो क्या उसकी वजह से जो ये कोरोना वायरस है या कोविड 19 की जो बीमारी है, क्या ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, क्या ये यहाँ से जाकर के वहाँ तक वो नहीं ले जा सकते हैं? अगर सारा कुछ ऑनलाइन मूड हो रहा है, अगर क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्या टीचर्स घरों से स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते हैं? क्यों उन्हें स्कूल्स में फिर से बुलाया जाता है, उनकी ड्यूटी स्कूल्स में क्यों ली जाती है, क्यों वो घरों से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्यों वो घरों से बच्चों की क्लासेस क्यों ना लें, ताकि सारा कुछ रेस्ट्रिक्टेड मूड हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को भी साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट तक भी ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ें जो भी इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं खास तौर से इनका भी ऑनलाइन मूड में करें, और जो भी टीचर्स हैं इस वक्त, जो भी लेक्चरर्स हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जो भी इस वक्त कम्युनिटी में टीचर्स हैं, वो घरों से ऑनलाइन क्लासेस लें और घरों से जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, घरों से जो है मटेरियल प्रोवाइड करें बच्चों को, ताकि बच्चों को भी आसानी हो, टीचर्स को भी आसानी हो, और साफ तौर पर बाजार में गैदरिंग ना हो, स्कूल्स में गैदरिंग ना हो, टीचर्स की गैदरिंग ना हो। और साफ तौर पर बाज़ारों में अगर देखा जाए, अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जो कि आप सब देख सकते हैं, क्योंकि अभी मसा ऑर्डर निकला हुआ है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि कम से कम गैदरिंग करनी है, और बिल्कुल भी आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सब से यही बात कहेंगे कि जो कस्बे डोडा है या जो मेन मार्केट डोडा की है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी है, रश कम करने की कोशिश करें, भीड़ भाड़ से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी है, मास्क सैनिटाइज़र्स का बार बार इस्तेमाल करते रहना है, ताकि जो ये कोरोना वायरस की महामारी इस वक्त फैली हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो है हम बाज रह सकें, बच सकें, क्योंकि अगर इसकी लहर से हम एहतियात नहीं कर पाए इस बार, तो आप सब लोग जान सकते हैं कि अभी कितनी जाने और भी जाने वाली हैं, कितने ज़्यादा लोगों के केसेस आने वाले हैं। हर जगह पे इस वक्त नाकाबंदी की जाए, डिस्ट्रिक्ट में भी टेस्ट किए जाएं, हर एतबार से टेस्ट को किया जाए और वैक्सीनेशन कराई जाए, ख़ास तौर पर ये पॉइंट है, और स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पर गौर करे। फिलहाल यही सब कुछ चंद बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी। इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त।